अयोध्या के सरयू परियोजना प्रथम कार्यालय के सभा कक्ष में मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिंचाई विभाग ड्राइविंग स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 20वें प्रांतीय अधिवेशन की तैयारियों पर चर्चा की गई। यह अधिवेशन अक्टूबर के 14 से 15, 2024 को अयोध्या में होना प्रस्तावित है। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय महासचिव अमरजीत मिश्रा और पूर्व महासचिव अभय शुक्ला ने की। बैठक में प्रमुख रूप से हरिकांत मिश्रा, जनपद सचिव लखनऊ, राम प्रकाश सिंह, जनपद अध्यक्ष अयोध्या, मनीष कुमार, जनपद सचिव अयोध्या, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव गोंडा बस्ती और संजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। शीतल प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार यादव, सत्येंद्र कुमार, राम प्रसाद और मंडलीय पदाधिकारी प्रदीप कुमार भी शामिल हुए। अधिवेशन के दौरान प्रतिभागियों के लिए ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार की गई, साथ ही चुनावी स्थल का निरीक्षण भी हुआ। अध्यक्ष ने सभी कार्यक्रमों के समन्वय पर चर्चा करते हुए अयोध्या, गोंडा, बस्ती और बाराबंकी की शाखाओं को आगामी चुनाव कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। प्रांतीय बैठक में निर्णय लिया कि आप लोग अलग अलग रहते हैं, हम लोग परेशान होते हैं और हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, आप लोग एक होकर के अपना काम करिए। अभी अभय शुक्ला जी ने अपने वीडियो में अपने वक्तव्य में पूरी चीज बताई, सेम वही चीज है कि हम लोग एक मिलकर हम दोनों के ऊपर केवल संवर्ग हित में काम करने की जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत काम कोई नहीं, हम लोगों को व्यक्तिगत काम किसी को व्यक्तिगत काम से कोई मतलब नहीं है, हम लोग संवर्ग हित में पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से काम करेंगे, हमारे सदस्यों को कोई समस्या ना हो और हमारे सदस्यों की समस्या का समाधान हो, ये हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग 15 को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हुए अपने सदस्यों से अपील करना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सदस्य हमारे सदस्य सब ज्ञानवान है, उन्हें अपने ज्ञानवान का प्रकाश पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिए सभी को प्रतिभाग करना पड़ेगा और सभी के सहयोग से निर्वाचित होने के बाद हम लोग पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से संवर हित का काम करेंगे। जैसा अमरजीत मिश्रा महासचिव में चुनाव प्रांतीय चुनाव कार्यक्रम को लेकर आज मंडलीय समीक्षा बैठक थी यहाँ पे, जिसमें यही निर्णय हुआ कि जो भी मतदाता है निष्पक्ष होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और उनके रहने की व्यवस्था के लिए हमने कहा जनपद अयोध्या है और यहाँ पे जो भी आएगा हमारा अतिथि होगा उसके सम्मान और व्यवस्था में कोई कमी ना हो, उसी को लेकर पूरी समीक्षा की गई, जिसमें सबके लिए एक समान एक स्वरूप व्यवस्था की गई और अपने बजट के अनुसार अच्छे से अच्छी व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया। क्या मैसेज यही है कि सभी लोग आए और निष्पक्ष होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर यहाँ सभी जनपदों से आकर भागीदारी दे। ये राम श्री राम जी की जन्म स्थली है, पावन नगरी अयोध्या है, यहाँ हम चाहेंगे जो भी आए सम्मान पूर्वक आए और सम्मानित होकर ही जाए, हमारी सबके साथ निष्पक्ष भावना से सबके स्वागत की इच्छा है। राम प्रकाश सिंह, सिंचाई विभाग ड्राइविंग स्टाफ एसोसिएशन, जनपद अध्यक्ष अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।